आज हम आपको भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर के बारे में कुछ अनोखी और दिलचस्प जानकारी बताने वाले हैं। इनमें से कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। बाघ एक प्रकार का वन्य जानवर है जिसके शरीर का रंग पीला या नारंगी होता है और उस पर काले रंग की धरियां बनी होती है। हर बाघ के शरीर की धरियां हम इंसानों की फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होती है। बाघ मांसाहारी जानवर है जो कि अन्य पशु पक्षियों का शिकार कर अपना पेट भरता है। बाघ बहुत ही फुर्तीले होते हैं और ये बहुत तेज गति से दौड़ सकते हैं। बाघ बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। एक वयस्क बाघ का वजन 300 से 400 किलो तक होता है। पूरी दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। सन 2006 से सिर्फ 1411 टाइगर ही बचे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और 2016 तक इनकी संख्या बढ़कर 3890 हो गई थी। बाघ पूरी दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है। धरती के सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों की लिस्ट में बाघ तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले स्थान पर ध्रुवीय भालू और दूसरे पर भूरे भालू है। बाघ अपने जन्म से एक सप्ताह तक पूरी तरह से अंधे होते हैं, जिनमें से लगभग आधे शावक वार्षिक होने से पहले ही मर जाते हैं। जन्म के बाद 2 सालों तक बच्चों की देखभाल केवल मादा ही करती है। हम इंसानों की उंगलियों के निशान की तरह प्रत्येक बाघ के शरीर की धरियां अपने आप में अलग होते हैं। बाघों की रात में देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में लगभग 6 गुना बेहतर है। इनके दौड़ने की आवाज़ बहुत तेज होती है, इसे आप 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। टाइगर की दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। टाइगर लगभग 8 मीटर की दूर और 5 मीटर ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। इनके मांसल फेर इतने मजबूत होते हैं कि ये मृत्यु अवस्था में भी कुछ समय तक खड़े रह सकते हैं। एक बाघ के पिछले पैर उसके आगे के पैरों से अधिक लंबे होते हैं, जिससे उन्हें अधिक दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता मिलती है। ज़्यादातर बाघों की आंखें पीली होती है, लेकिन सफ़ेद बाघों की आंखें आमतौर पर नीली होती है। बाघ की औसत उम्र 10 से 15 साल होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में